नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में लोगों को घर में डर लगता है, सड़कों पर निकलने में भय सताता है, बेचैनी होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, बेकाबू हो चुका है, इसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता नजर आता है और अक्सर ये बात पूछी जाती है कि आप इन तमाम बातों पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्हें महाजंगल राज का मुखिया तक कहा जाता है और पूछा जाता है कि क्या यही सुशासन की सरकार है जिसकी कल्पना बिहार की जनता ने की थी, जिसके दावे आपने हमेशा चुनाव के वक्त किए थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा है, पहले देखिए। बिहार में अब लोगों को घर में भी डर लगने लगा है, सरकार और पुलिस लोगों की हिफाजत करने में फेल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक के नाम पर भिक्षा बैठक कर RCP टैक्स अंतर्गत वसूली मांगने में लीन है। @यादव तेजस्वी। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर तो नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में रखा ही है, लेकिन इन सब के बीच उन पर एक बड़ा इल्जाम भी लगाया है। जी हाँ, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो एक समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक है। आपको बता दें कि उनके कहने के मायने हैं कि पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्टाचारी हो चुकी है, RCP टैक्स वसूलने में लगी हुई है और इस बैठक से कुछ भी सामने निकलकर नहीं आता है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर कई सारी बातें कही जा रही है और ये तक कहा जा रहा है कि समीक्षा बैठक तो की जाती है लेकिन उसका कोई भी उपाय नहीं निकल पाता। बैठकों का तो मतलब ही होता है कि उससे कोई निर्णय लिया जाए, फैसला लिया जाए और समस्या का समाधान हो सके, लेकिन बिहार में किसी भी समस्या का समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे हम बात करें युवाओं की, बेरोजगारों की या फिर बढ़ते अपराध की और यहां तक कि किसानों की बातों को लेकर भी तेजस्वी यादव एग्रेसिव मोड में हमेशा दिखाई देते हैं और नीतीश कुमार से कई सारे सवाल पूछते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा है, भ्रष्टाचारी बताया है और ये तक कह दिया है कि बिहार की जनता को तो अब घर में भी रहने में डर लगता है, वो इस तरीके से सुरक्षित नहीं है, उन्हें भय सताता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और हाई लेवल की मीटिंग के बाद अपने आला अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो बैठकें हैं, वो फेल साबित हो रही है क्योंकि हर दिन बिहार के अखबार अलग अलग आपराधिक घटनाओं से रंगे रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।